चिंटू बेटे अब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। डैडी ग्रह क्या होता है? गुड क्वेश्चन बेटे। बेटे आसमान में जो तुम देखते हो ना वो छोटे छोटे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। लेकिन वो तो स्टार्स है, ग्रह क्या होता है? अरे गधे वही तो बता रहा हूँ। तो कान क्यों खींच रहे हो? एक तो कुछ आता नहीं है। क्या कहा? तू एक छापड़ दो। नहीं मेरा मतलब मुझे कुछ आता नहीं है। हाँ तो सुन मैं क्या कह रहा हूँ। देखो बेटे कई साल पहले सूरज के लाखों टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जैसे आपके चश्मे का हाल हुआ था। एक झापट दो। नहीं। दो एक झापट। नहीं। सूरज के लाखों टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और वो टुकड़े सूरज के आसपास घूमने शुरू हो गए। उन टुकड़ों को ग्रह कहते हैं। तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते डैडी कि ग्रह को प्लैनेट कहते हैं? क्या कहा? तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहा। क्या हुआ? चिंटू को पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है कोकी। अरे लेकिन हुआ क्या बता? अरे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्या चिंटू क्या किया तुमने? मम्मी मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि ग्रह क्या होता है। केशु ये तुमने ठीक नहीं किया, उसके सवाल का जवाब तुमको देना चाहिए था। मम्मी डैडी को तो कुछ आता ही नहीं है। तुम दोनों मेरी जिंदगी में राहु केतु बनकर आए। अच्छा कोकी ये लो आ गई शनि की बहन। कुछ नहीं तुम बोलो क्या हुआ? अरे गजब हो गया। गजब हो गया गंगा, एंट्री लेते वक्त तू हमेशा यही डायलॉग क्यों मारती है? चुप करो ना, बताओ क्या हुआ? कोकी 11 तारीख को पृथ्वी डूब जाने वाली है। क्या बात रही हो? हाँ भगवान की कसम हमारे ज्योतिषी ने अभी बताया कि 11 तारीख को जल प्रलय होने वाला है। वो तुम्हारी सड़ी हुई पानी की टंकी देखकर बताया होगा। पेपर में भी आया है। चुप करो केशव, ऐसे कैसे हो सकता है गंगा मौसी? इस साल तो बारिश भी नहीं हुई है, सारे तालाब सूख गए हैं, रेक्लेमेशन से समुन्दर पीछे हट गया है। शायद कोई भारी चीज आसमान से गिरकर पृथ्वी से टकराने वाली है। ऐसा तो तब होगा गंगा जब तुझे कोई हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकेगा। मेरी बात का यकीन ना हो तो जाकर दिलरुबा से पूछ लो, अभी अखबार लेकर ऊपर गया है वो। अच्छा तो क्या डॉल ये खबर तुमने पढ़ी? नहीं पढ़ी। 11 तारीख को जल प्रलय। जल प्रलय? हाँ लिखा है कि 11 तारीख को दुनिया डूबने वाली है। री इलेक्शन है क्या? नहीं लिखा है कि 11 तारीख को एक बहुत बड़ा धूमकेतु आकर पृथ्वी से टकराएगा। धूमकेतु मतलब कॉमेट? कॉमेट धूमकेतु कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा और ये सारी दुनिया पानी पानी हो जाएगी। 11 तारीख को अपनी गाड़ी गैराज के बिल्कुल अंदर पार्क कर लेना ताकि वो बह न जाए, जस्ट बी ऑन द सेफ साइड। आगे सुनो आगे। तेल तुमने बनिए का बिल दिया? नहीं आज दे दूंगा। नहीं देना, 11 तारीख के बाद देना, शायद देना ही ना पड़े। अच्छा आगे तो सुनो। बैंक से सारे पैसे विड्रॉ कर लो। क्यों? पिछली बार जब प्रलय आया था तो मनु ने एक इतनी बड़ी कश्ती पर कुछ लोगों को बचा लिया था। तो इस बार भी बचा लेगा? लेकिन शायद इस बार बचाने का पैसा ले। So we should have some ready cash. प्रेमा जी आपने सुना? क्या? दुनिया डूबने वाली है। नहीं हमने नहीं सुना, हमने तो पढ़ा है। आपको पढ़कर कैसा लगा प्रेमा जी? मैं बताऊं मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है क्यों? क्योंकि एक हफ्ते बाद तुम मेरी आंखों के सामने से हेल्प हेल्प कहता वो बह जाएगा। तो क्या बिजली के खंभे पर लटकने वाला है? खेकू जी आपको क्या लगता है ये दुनिया रेली डूब जाएगी? अब कैसे पता चले प्रेमा जी, मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। मैं तो यही पकड़ कर चल रही हूँ कि ये दुनिया डूब जाएगी। तो ठीक है प्रेमा जी मैं भी आपको पकड़ कर डूब जाऊंगा। यार तू कितना बेशरम आदमी है, एक हफ्ते बाद मरने वाला है लेकिन सुधरता ही नहीं है। ए तमीज से बात करा वरना 11 तारीख को मैं तेरे को देख लूंगा, समझा? क्या क्या देख लेगा? 11 तारीख को तू जब बहता हुआ मेरी बालकनी के सामने से गुजरेगा ना और कहेगा कोकी जी मुझे अंदर आने दो, तब मैं कहूंगा चल फुट आगे चल और दरवाजा बंद कर दूंगा। अबे जाना काहे को फेंकता यार, कुछ काम वाम नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है? ऑफिस तो जाना है, आज तो शर्मा साहब को कहूंगा, शर्मा साहब 11 तारीख तक तो मुझे प्रमोशन दे दीजिए। नहीं नहीं मैं तुझे हरगिज प्रमोशन नहीं दूंगा। लेकिन सर आप मुझे एक हफ्ते के लिए भी प्रमोशन नहीं दे सकते? एक हफ्ते के लिए क्यों,
क्योंकि एक हफ्ते के बाद विनाश होने वाला है सर, सर्वनाश होने वाला है, ये दुनिया डूबने वाली है। अरे दुनिया डूबे ना डूबे, तेरी वजह से मेरी एक कंपनी डूब गई भतभंगे। सर मैं क्या कहता हूँ, तुम कुछ मत कहो बीच में, तुम इसके भाई हो। लेकिन सर धूमकेतु तेजी से आ रहा है। अरे तुम जरा राहु केतु के सामने, धूमकेतु तो मुझे अपना फ्रेंड रखता है। हाँ तो वो आपका फ्रेंड अगली 11 तारीख को आपसे गले मिलने आएगा। अच्छा तो आप मुझे प्रमोशन नहीं देंगे? अरे वक्त आने पर मैं लक्ष्मी को प्रमोशन दे दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। मुझे प्रमोशन? लक्ष्मी लक्ष्मी क्या हुआ इसको? ओ लक्ष्मी, डोंट वरी सर, डोंट वरी, जब से इसकी मंगनी हुई है बार बार बेहोश हो जाती है। मैं उसे रुक में लाता हूँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, तू कुलकर्णी की बाहों में आई बी एम। लक्ष्मी तुम फिर से कब बेहोश होने वाली हो? लक्ष्मी तुम कैसे आई? ये मैटरनिटी लीव सैंक्शन करवानी है। अयो शादी से पहले? ये मेरी नहीं है, जोशी की है। अरे मेरे दफ्तर में एक से एक नमूने भरे पड़े, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो जी? जाके काम करो, काम करो। सर जब तक आप मुझे प्रमोशन नहीं देंगे तब तक मैं काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तू काम नहीं करेगा तो तुझे अगले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। अरे शर्मा साहब, सैलरी तो अगले महीने की आपको भी नहीं मिलेगी। मुझे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगले महीने प्रलय आने वाला है। जब प्रलय? इसका दिमाग ठीक करो। नहीं सर, ये सच कह रहा है। अरे टीवी पर न्यूज भी आ रहे हैं। क्या